नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। आज फरीदाबाद की एक ऐसी घटना का हम उजागर करने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपको ये लगेगा कि जो पुलिस प्रशासन है वह किस तरह से जो पीड़ित व्यक्ति है उन्हें ही परेशान करती है। हमारे साथ अभी एक महिला है जिनका नाम है अनीता कौर, और इनके साथ जो मामला हुआ है वो ये है कि इन्होंने पहले एक व्यक्ति पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था, और अब जब वो व्यक्ति जेल जा चुका है उसके बाद इन्हें किस तरह से पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है, इस संबंध में हम इनसे जानेंगे। और ये अभी जो है आप देखेंगे कि पुलिस चौकी नवीन नगर पहुँची है। क्यों आपका यहाँ आना हुआ है? सर, मैं एक साल से यहाँ नवीन नगर पल्ला थाने के चक्कर काट रही हूँ। मैंने कंप्लेंट दी थी 8-9 महीने पहले, जो कि मेरे को परविंदर चौहान और उसकी बीवी घर जा जा के परेशान, मारपीट, धमकियां मारने की, बकायदा बच्चों को मारा गया। मैं 4-5 बार जा चुकी हूँ और हर जगह ACP DCP सब जगह पेश हो चुकी। उल्टा उन्होंने मेरे ही ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया 31 सेक्टर में, और जो मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, उनकी दूसरी शादी, वो अलग रहते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवा दिया। और पुलिस जा जा के घर पे जा के बच्चों को इतना टॉर्चर कर रही है, बच्चों को कि हम तुम्हें उल्टा लटका देंगे। रात को भी जाके SHO साहब गए हैं घर पे और कहते हैं कि तुम्हें चमड़ी उधेड़ देंगे, तुम्हें उल्टा लटका देंगे, पूरे घर को तह नहस कर दिया। क्या इतना उनको हक है कि बच्चों को मार पिटाई और इतना कुछ कर रहे हैं सर? लेकिन पुलिस वाले कोई भी नहीं सुनते। पल्ला जाती हो तो कहते हैं नवीन नगर जाओ, नवीन नगर जाती हो तो कहते हैं पल्ला जाओ। ये कंप्लेन जो आपके हाथ में है, ये आपने कब देने की सोची थी? इसकी तारीख बताएं। तारीख है, लास्ट तारीख है इसकी 22/7/24 22/7/2024। और जो FIR दर्ज हुई है दूसरी पार्टी के तरफ से, वो कब हुई है? वो मेरी FIR दर्ज कालका जी में हुई है, वो 31 तारीख को हुई है। वो कालका जी थाने का जी मामला है। जी, वो कालका जी दिल्ली का मामला है। ये मार पिटाई घर में घुस के मुझे मारा गया, उसकी वाइफ थी और वो परविंदर चौहान था। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। अच्छा, आपके तरफ जो दूसरी पार्टी ने आप पर कंप्लेंट की है, वो FIR कब हुई है? वो FIR हुई है 25 तारीख को, पिछले महीने। और ये 22 को आप लेटर अपने रिसीव कराई जी, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं, उससे पहले मैंने ये कर रखा था। मुझे सिर्फ यही कहते थे यहाँ पे कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, इसके अलावा इन्होंने कुछ मुझे नहीं कहा। कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में इन्होंने धोखे से मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी। किसने कहा था कंप्लेंट? कॉम्प्रोमाइज के लिए कौशल्या मैडम ने कहा था कि कॉम्प्रोमाइज कर लो आप। क्या है? यही नवीन नगर चौकी में ही, मतलब जो आईओ थी वो थी। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि कॉम्प्रोमाइज कर दो, नहीं तो मैं तुम पे मुकदमा कर दूंगी। कॉम्प्रोमाइज कर लो, नहीं तो मैं मुकदमा कर दूंगी। मैं अपना घर चली गई, घर जाने के बाद इन्होंने 2-3 दिन बाद मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, मुझे हनाश करते हैं, गाली गलोच, मतलब इसकी वाइफ भी परविंदर की, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सर। परविंदर को कैसे जानते हैं? परविंदर को मैं 2-3 साल पहले से ही जानती हूँ, कालका मंदिर में मुझे मिले थे ये। वहाँ से इन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी, लिफ्ट देने के बाद इन्होंने मुझे छोड़ा था बदरपुर में। उसी दौरान बीच हमारी बात हो गई, एक दूसरे को नंबर दिया, तो उसके बाद फिर परविंदर चौहान ने मुझे ये कहा था कि मैं आपके साथ शादी करूंगा, मैं आपको अपने साथ रखूंगा। उस दौरान मेरी बातचीत हुई, उसके बाद जब मैं उसे बोलती थी। पता था वो शादी से पहले? नहीं, उस टाइम नहीं मुझे पता था। जब जब मुझे बाद में पता चला, उसके बाद फिर उसने किनारा करना शुरू कर दिया। फिर मैं कंप्लेंट देती थी तो मुझे मारने की धमकी देता था, जहाँ तक कि उसने मारा भी मुझे। ये पूरा मामला आप समझ सकते हैं कि कितना पेचीदा है, और इस मामले को जो है पुलिस को किस तरह से सुलझाना चाहिए। सुलझाने के बजाय और ज़्यादा उलझने जो है वो आपको यहाँ बढ़ते दिख रही है। अब इन्होंने फरीदाबाद के कमिश्नर साहब को भी इस संबंध में अवगत कराया हुआ है, साथ ही जो यहाँ के ACP हैं उन्हें भी अवगत कराया गया है। पुलिस थाने में भी इन्होंने कंप्लेन दी है, लेकिन FIR अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। ज़रूरत है पूरे प्रकरण पर FIR दर्ज हो, और जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो करने का काम फरीदाबाद पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाए।